everybody, welcome back to my channel MCR. Thank you so much for watching my videos. So in today's video we are gonna study some new things, and in our previous video we did all the things about business risk. So starting with the first topic, business. So we can divide business in two things, right? We can divide business into industry and commerce. And industry can be further divided into primary, secondary and tertiary. It's nothing new. We are starting it from the class 9 only, right? That industry can be divided into primary, secondary and tertiary. Now comes the new thing, that primary industry can be divided into extractive industry and genetic industry. Extractive industries mein hamara kaun kaun si aate hai, jaise mining, then hamari quarrying, then hamari drilling, ye sab aati hai extractive, matlab hum apni earth ke surface se, when we are extracting something then it is known as extracting, right? And genetic mein kya hota hai, hamari sari ki sari jo hum living organisms se related cheeze karte hain, right? For example, hamari animal husbandry, poultry farming, right? Matlab hamari jo sari ki sari animal se judi cheeze hoti hain उनको बोलते हैं जेनेटिक, राइट? देन सेकेंडरी कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन. मैन्युफैक्चरिंग की अभी बात करते हैं, पहले कंस्ट्रक्शन की करते हैं. मैन्युफैक्चरिंग को तो सबसे पहले हम एनालिटिकल, सिंथेटिकल प्रोसेसिंग और असेंबलिंग में डिवाइड कर सकते हैं. कंस्ट्रक्शन हमारा होता है बहुत सिंपल सा, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, किसी भी चीज़ की कंस्ट्रक्शन कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन ओनली, राइट? Then comes manufacturing. Manufacturing में सबसे पहले हमारी type है analytical. Now what does this mean? Analytical means कि हम कुछ analyze कर रहे हैं, और हम किसी चीज़ को कैसे analyze कर सकते हैं? Guys, it's just a learning trick. Please don't take me seriously कि मैं ऐसा कह रही हूँ. बस analytical, synthetical and processing and assembling को जो उसके examples हैं और इनका मतलब समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक learning trick है, right? ऐसा सच्ची में नहीं होता. तो एनालिटिकल में क्या होता है कि हम एनालाइज कर रहे हैं किसी चीज़ को, राइट? और एनालाइज हम कैसे कर सकते हैं, अगर हम सेपरेट कर दें चीज़ों को. अब सेपरेशन कहाँ पे आती है? लाइक सेपरेशन ऑफ पेट्रोलियम हमारी, राइट? जो हमारा क्रूड ऑयल होता है, अब हम उसको सेपरेट करेंगे अपने, सेपरेशन ऑफ क्रूड ऑयल, सॉरी, अगर हम अपने क्रूड ऑयल को सेपरेट करेंगे तो हमारी अलग अलग चीज़ें आती हैं, जैसे केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, राइट, नेचुरल गैस, हमारी सारी की सारी अलग चीज़ें आती हैं. तो इन अंडर एनालिटिकल व्हाट कम्स, एग्जांपल ऑफ एनालिटिकल इज हमारा सेपरेशन ऑफ आवर क्रूड ऑयल, राइट? देन कम सिंथेटिकल. सिंथेटिकल मतलब हम सब चीज़ को एक साथ सिंथेसाइज कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को, जैसा सीमेंट. सीमेंट को अगर हमें बनाना है तो हमें बहुत सारी चीज़ों को कंबाइन करना पड़ता है और तब जाके हमारा बनता है सीमेंट, सीमेंट, राइट? देन कम्स प्रोसेसिंग. प्रोसेसिंग मतलब कि हम कुछ प्रोसेस कर रहे हैं, मतलब अब प्रोसेस कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स भी इन्वॉल्व होंगे. अब पेपर मेकिंग, पेपर मेकिंग और शुगर मेकिंग, मतलब पेपर इंडस्ट्री और शुगर इंडस्ट्री में जब हमें पेपर और शुगर बनाना होता है तो उसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. देयरफॉर पेपर इंडस्ट्री एंड शुगर इंडस्ट्री आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रोसेसिंग. देन असेंबलिंग. असेंबलिंग इज हमारी जो हम असेंबल कर रहे हैं, मतलब किस चीज़ को इकट्ठा करना, हमारे ऑटो पार्ट्स को इकट्ठा करना. फॉर एग्जाम्पल आपका फ्रिज, आपकी कार, राइट? ये कैसे बनी है? ऑटो पार्ट्स को इकट्ठा करके, राइट? सिंथेटिकल में क्या होता है, हम इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करते हैं. असेंबलिंग के अंदर क्या होता है, हम ऑटो पार्ट्स, मतलब पार्ट्स को इकट्ठा करते हैं. लाइक हमारा कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर सेवरल पार्ट्स होते हैं, राइट? देन कम्स आवर सेकेंड बाइफर्केशन, दैट इज कॉमर्स. हमने बिजनेस को दो में डिवाइड किया था, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. वी डिड इंडस्ट्री, नाउ इट्स टाइम टू डू कॉमर्स, राइट? नाउ कॉमर्स अगेन कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, राइट? अब ट्रेड हमारी दो टाइप की होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, राइट? मतलब इंटरनल इज विद इन द कंट्री, राइट? फॉर एग्जांपल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, देन ट्रेड इज विद, वन टाइप ऑफ ट्रेड इज विद इन इंडिया एंड द अदर टाइप ऑफ ट्रेड इज एक्सटर्नल, राइट? दैट इज आउटसाइड इंडिया. तो इंटरनल में क्या आता है हमारे पास, होलसेल एंड रिटेल. इट्स वेरी इजी, दीज आर जस्ट वेरी कॉमन थिंग्स, राइट? वेरी बेसिक थिंग्स. फिर एक्सटर्नल में हमारे पास क्या आता है, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंट्रीपोर्ट. नाउ व्हाट इज दिस एंट्रीपोर्ट? इफ वी एक्सपोर्ट, सॉरी, इफ वी इम्पोर्ट समथिंग टू एक्सपोर्ट, इफ वी इम्पोर्ट समथिंग टू एक्सपोर्ट, देन इट इज नोन एज एंट्रीपोर्ट. मतलब हम अपनी कंट्री में कोई चीज़ दूसरी कंट्री से ला रहे हैं, उसको बाहर, मतलब उसको बाहर बेचने के लिए, उसको एक्सपोर्ट करने के लिए, तो उसको बोलते हैं एंट्रीपोर्ट. देन कम्स ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. ऑक्सिलरीज आर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरीज, राइट? फर्स्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ऑक्सिलरीज. ऑक्सिलरी मीन्स सपोर्ट, ऐसी एक्टिविटीज, ऐसी सर्विसेज जो एज अ सपोर्ट काम करती हैं ट्रेड के लिए, राइट? जो हमारी ट्रेड को
सपोर्ट करती हैं. तो ऐसी एक्टिविटीज़ है हमारी ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस एंड एडवर्टाइजिंग. अब आप कहेंगे कि सपोर्ट किस काम है, ट्रेड को किस चीज़ का सपोर्ट चाहिए, राइट? मतलब बाइंग एंड सेलिंग, वॉट इज ट्रेड? इट इज़ जस्ट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट? अब इसको किस चीज़ का सपोर्ट चाहिए? तो लेट मी टेल यू, हमारी ट्रेड में बहुत सारी हिंड्रेंसेज आती हैं, मतलब प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, राइट? अब वो कौन कौन सी दिक्कतें हैं, तो अब उन हिंड्रेंसेज को लर्न करने के लिए आई हैव मेड एन एक्रोनिम ऑन माई ओन, दैट इज PPTFIR. द एक्रोनिम इज PPTFIR. दैट मीन्स P स्टैंड्स फॉर पर्सन, then again P stands for place, then T for time, F for finance, I for information and R for risk. अब इसका मतलब क्या हुआ, हमारी ट्रेड में सबसे पहली जो मुश्किल है वो है पर्सन, राइट? अब उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, मतलब हमें दूसरों तक सामान पहुंचाना है तो उसको कैसे पहुंचाएंगे? ऑब्वियसली वो तो सबसे पहला है कि ट्रेड. अगर हमें दूसरों तक सामान पहुंचाना है तो हम कैसे पहुंचाएंगे, राइट? एक्सचेंज करके, राइट? अगर मेरे पास कुछ सामान है और दूसरे पास के पास, अगर दूसरे इंसान के पास सामान नहीं है तो वो उसको वो सामान चाहिए लेकिन, तो वो कैसे लेगा? विद द हेल्प ऑफ ट्रेड, वो जाके खरीद लेगा. तो सबसे पहली हमारी हिंड्रेंस थी पर्सन, जो कि बहुत ही सिंपल थी. देन कम्स प्लेस. अब आपकी एक जगह है कि आपकी एक जगह से कहीं पे बन रहा है, फॉर एग्जांपल बन मेरा सामान झारखंड में रहा है एंड आई हैव टू सेल इट ऑल अक्रॉस द इंडिया और इवन आउटसाइड इंडिया, राइट? तो अब मेरे को वो कैसे बेचूंगी मैं, थ्रू विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट, राइट? देन कम्स टाइम. अब ऐसा तो है नहीं कि मैंने अभी के अभी बनाया और अभी के अभी मेरा सामान बिक जाएगा, आई नीड टू स्टोर इट ऑल्सो. तो मैं स्टोर कहाँ पे करूँगी उसको, वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटीज़, राइट? हमारी वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटीज़ होती है विच प्रोवाइड अ स्पेस टू स्टोर आवर गुड्स, सो दैट जब तक वो हम उनको सेल नहीं करते हम उनको स्टोर कर पाए, राइट? ताकि वो ख़राब ना हो जाए. देन कम्स अ प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस, कि इतना जो खर्चा आता है प्रोडक्शन प्रोसेस में एंड देन सेलिंग प्रोसेस में, उसको कौन बेयर करेगा, हमारे बैंकिंग एंड फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस. देन कम इंफॉर्मेशन. अब लोगों को कैसे पता चलेगा कि मार्केट में ये नई चीज़ आई है, अब लोगों तक इन्फॉर्मेशन भी पहुंचनी चाहिए, तो वो हमारी हिंड्रेंस को कौन कवर करता है, एडवर्टाइजिंग विद द हेल्प ऑफ एडवर्टीजमेंट. मतलब जो एडवर्टीजमेंट है, इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू आवर प्रोड्यूसर्स टू टेल कंज्यूमर्स दैट या दिस न्यू प्रोडक्ट इज देयर इन द मार्केट एंड यू कैन बाय इट, राइट? फिर हमारा आता है रिस्क. रिस्क हमारा, अब हमारे रिस्क कौन कवर करता है, इंश्योरेंस. अब रिस्क किस चीज़ का, राइट? जो अब जो हमारा, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने हमारा गुड्स को स्टोर करके रखा है अपने कंटेनर्स में, मतलब जो बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं जहाँ पे सारी चीज़ें स्टोर होती हैं, अब वहाँ पे अगर हमारे गुड्स हैं तो ऑब्वियसली उनको ख़राब होने का है कि जो जिस जगह पे हमने स्टोर किया है वहाँ पे आग लग गई तो, या वहाँ पे कीड़े आ गए तो वहाँ पे भी खतरा है, रिस्क है कि ख़राब हो सकता है. देन अगर हम हमारा ट्रांसपोर्ट में हो, राइट, और हमें झारखंड से फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दिल्ली में पहुँचाना है, अगर वो ट्रांसपोर्ट में और बीच में कुछ हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, ट्रक का इसकी वजह से ख़राब हो जाए चीज़ें, तो दीज ऑल things are subject to a risk of loss. इसीलिए to prevent this risk हम क्या करते हैं, we get these goods insured. Then comes, this was all about our hindrances. मतलब यही चीज़ें आती थी हमारी ट्रेड में, राइट? यही दिक्कतें आती थी. अब इसी चीज़ को जो मैंने सारा बोला, इसी को मैंने वर्डिंग्स में लिखा है, और इसको अब इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, रोल ऑफ कॉमर्स इन रिमूवल ऑफ हिंड्रेंसेज, राइट? द रोल ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स एज इन हमारा, मैंने क्या बोला था कि हम अपनी बिजनेस को दो में डिवाइड कर सकते हैं, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, राइट? कॉमर्स में क्या क्या आता है, हमारी ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ट्रेड और उसके सपोर्ट, राइट? तो हमें लिखना है कि रोल ऑफ ऑक्सिलरीज, राइट, रोल ऑफ दो सपोर्ट सिस्टम इन रिमूवल ऑफ हिंड्रेंसेज ऑफ ऑब्वियसली ट्रेड, राइट? तो सबसे पहले तो खुद ट्रेड ही है कि अगर हमें दूसरे तक सामान पहुँचाना है कैसे पहुँचाएंगे, थ्रू एक्सचेंज, राइट? ट्रेड रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन. अभी हमने पढ़ा कि ट्रेड जो होता है हमारा कौन सा हिंड्रेंस रिमूव करता है, पर्सन का, राइट? तो उस वही लिखा है मैंने, इट रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन बाय मेकिंग गुड अवेलेबल टू कंज्यूमर फ्रॉम प्रोड्यूसर. देन कम्स ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन रिमूव्स हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, राइट? यहाँ पे लिखा है प्लेस, ट्रांसपोर्ट, प्लेस बाय, कैसे रिमूव करता है ट्रांसपोर्टेशन, बाय मूविंग गुड्स फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू मार्केट्स फॉर सेल. जैसे मैंने बोला फॉर एग्जांपल झारखंड में बना एंड आई नीड टू सेल इट ऑल ओवर द इंडिया एंड ऑब्वियसली हमारी इंडिया से बाहर भी, तो कैसे मैं करूँगी, थ्रू ट्रांसपोर्टेशन. फिर आता है स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, तब वो क्या था, इट रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ टाइम बाय फैसिलिटेटिंग होल्डिंग ऑफ स्टॉक
ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब हमें ज़रूरत होगी, जब तक हमें ज़रूरत नहीं है उसको, अभी वो नहीं बिक रहा स्टॉक, तो हम क्या करेंगे, उसको स्टोर कर लेंगे, राइट। उस वो हमें फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज, उनको हम उनको स्टॉक करके रख लेंगे अपने गुड्स को, राइट, मतलब संभाल के रख लेंगे एक जगह, और फिर जब हमें ज़रूरत होगी तब हम उनको बेच देंगे, राइट। देन कम्स इंश्योरेंस, अभी मैंने आपको बताया इंश्योरेंस कौन सा हिंड्रेंस रिमूव करता है, हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, मतलब गुड्स हेल्ड इन स्टॉक, मतलब जो हमने स्टोर किया हुआ है, एज वेल एज गुड्स इन कोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जब वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, देन दीज गुड्स आर सब्जेक्ट टू अ रिस्क ऑफ लॉस, मतलब इनको डैमेज हो सकता है, हम इनको लूज कर सकते हैं, इससे क्या होगा, हमारा पैसा बर्बाद हो जाएगा, हमारा टाइम बर्बाद हो जाएगा, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन नॉट लूज देम, राइट, अब किसी भी रीज़न से हम उनको लूज़ कर सकते हैं, थेफ्ट, फायर, एक्सीडेंट, तो अब हमें प्रोटेक्शन चाहिए इसके अगेंस्ट, तो इससे हमें कैसे प्रोटेक्शन मिलेगी, इन सब रिस्क से, प्रोटेक्शन अगेंस्ट दीज रिस्क इज प्रोवाइडेड बाय इंश्योरेंस ऑफ दीज गुड्स, वी कैन गेट द इंश्योरेंस ऑफ दीज गुड्स, वी कैन गेट दीज गुड्स इंश्योर्ड। देन कम्स बैंकिंग, बैंकिंग में क्या होता है, इट ऑब्वियसली रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस, अब जो इतनी सारी हमने इंश्योरेंस कराई उसके लिए भी पैसा चाहिए, अब हम स्टोर करेंगे कहीं गुड्स को, हमें उसका भी पैसा लगेगा, देन इतनी सारी, अब हम एडवर्टीजमेंट करेंगे, अभी हम एडवर्टाइज करेंगे अपने प्रोडक्ट को, उसमें भी पैसा लगेगा, तो कि जितने सारे के सारे खर्चे हैं, दीज ऑल एक्सपेंसेस आर मेट बाय बैंकिंग, राइट। हमें कहाँ से पैसा आता है, हम बैंक से, राइट, मतलब हम बैंक से लोन लेते हैं, अगर हमारे पास उतना पैसा नहीं है, देन कम्स एडवर्टाइजमेंट, अभी हमने इसकी बात की एडवर्टाइजिंग की, अगर हमें प्रोड्यूसर्स को, ट्रेडर्स को बताना है कि यार ये मार्केट में नया प्रोडक्ट आया, देन दे कैन टेल कंज्यूमर्स वाया एडवर्टाइजमेंट, राइट। सो दैट्स अबाउट दिस वीडियो एंड दिस चैप्टर टू, एंड इफ यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग इन दिस चैप्टर, देन प्लीज like this video guys, please, it takes few seconds, and please subscribe to my channel, it's absolutely free, and if you didn't understood anything then please comment on below, I'll try to resolve each and every query of yours, and until my next video please stay tuned, bye.